हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सुनने वाले हैं एक कहानी, और ये कहानी है सुम्मी और उसकी माँ की। तो आइए जानते हैं क्या है इस कहानी में। सुम्मी, अरे ओ सुम्मी, शाम होने को आई, कब से बाहर खेल रही है, जल्दी आ जा घर पे। आई माँ, दो मिनट। अरे दो मिनट करके कितना वक्त हो गया, आजा घर पे जल्दी, मुँह हाथ धो ले। ठीक है माँ। अरे वाह, आ गई तू। और ये क्या, ये आइसक्रीम किसने दिया तुझे? वो अंकल ने, हम जहाँ पर खेल रहे थे ना, वहाँ एक अंकल खड़े थे जिन्होंने मुझे ये आइसक्रीम दिया और बोला वो रोज़ मुझे ऐसा आइसक्रीम खाने को देंगे। सुम्मी, क्या तुम जानती हो उन अंकल को? कोई जान पहचान वाले हैं क्या हमारे? नहीं माँ, मैंने तो आज उन्हें पहली बार देखा है। अच्छा, इसका मतलब वो कोई अजनबी है। अजनबी? अजनबी मतलब क्या होता है माँ? सुमी, अजनबी मतलब वो इंसान जिसे हम पहले से नहीं जानते, और ऐसे इंसानों से यानी अजनबियों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए हमें अजनबियों से सतर्क रहना है। और हाँ, उनके लिए चार नियमों का भी पालन करना है। चार नियम? कौन से चार नियम माँ? सुमी, सबसे पहला नियम ये है कि अगर घर में आप अकेले हो तो कभी भी किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। जब इस बात की पुष्टि हो जाए कि दरवाज़े पर जो है वो जाना पहचाना व्यक्ति है, तभी दरवाज़ा खोलना। अच्छा माँ, और दूसरा नियम ये है कि कभी भी अजनबियों से कोई भी चीज़ मत लेना, वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। अच्छा माँ, अब मैं अजनबियों से कोई चीज़ नहीं लूँगी। शाबाश सुमी। और तीसरा नियम ये है कि अपने बारे में कोई भी जानकारी किसी अजनबी को बिल्कुल मत बताना। अच्छा माँ। और हाँ सुम्मी, चौथा और बहुत अहम नियम कि हमारी कोई भी तस्वीर या कोई भी चीज़ किसी भी अजनबी को बिल्कुल मत देना। जी माँ। और हाँ सुम्मी, अजनबियों से सुरक्षित रहने के लिए इन चारों नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी अगर कोई अजनबी हमसे बात करने आए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर फिर भी कोई अजनबी हमसे बात करने आए तो सबसे पहले उन्हें बिल्कुल ना कर दो, और अगर वो फिर भी ना माने तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ, और किसी अपने को या जान पहचान वाले व्यक्ति को उनके बारे में बताओ। ऐसा करने से वो अजनबी सतर्क हो जाएगा और आपसे दूर चला जाएगा। अच्छा माँ, मैं बिल्कुल इन सारी बातों का ध्यान रखूँगी। हाँ सुम्मी, इन बातों का ध्यान रखकर हम किसी भी अजनबी से सुरक्षित रह सकते हैं। जी माँ, बिल्कुल। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? तो समझ आया ना आप सबको कि कैसे रह सकते हैं हम इन अजनबियों से सुरक्षित? तो इन सारी बातों का पालन कीजिए और अजनबियों से सुरक्षित रहिए।